मैं मंत्री जी थोनों दो तीन गल्लां बेनती करना चाहुंदा हां। सब तो पहला तो किसानां दे बिहाफ ते बलबीर सिंह राजेवाल नूं कोई हक नहीं बयान देण दा। किसानां दी मूवमेंट नूं पंजाब च जीरो करन वाले राजेवाल साहब है जिन्हां ने 4500 वोटां पोल करके अपनी जमानत जब्त कराई और किसानी संघर्ष का सिर नीवा किया। किसानां दी जिहड़ी फीडबैक है साडे कोल आ रही है। दूजी गल मैं ये कहना मैं कहनी चाहुंदा कि देखो वड्डी इक गल है जिहड़े पुरानियां पार्टियां दीआं सरकारां सी वो खजाने नूं इस तरह ना खाली कर गईआं जिवें बिल्ली भांडा चटदी है। जमा बचिया ही कुछ नहीं, कर्जा बच गया, जिहड़ियां साडीआं इंस्टॉलमेंटां जांदीआं। जे डेट सर्विसिंग ही कल्ली लै लईए कि किन्ना ब्याज ते ब्याज दे रहे हैं तां डिवेलपमेंट लई तां इक पैसा नहीं बचदा। मैं तां चीमा साहब और भगवंत मान साहब और केजरीवाल साहब नूं वधाई देऊंगा, फिर भी उन्होंने इन्ना हां पक्की बजट दिता है, कोई नवा टैक्स नहीं लाया उन्होंने। इंडस्ट्री तो मैं कल फीडबैक लिया है, इंडस्ट्री लिस्ट बहुत खुश ने इस बजट नाल। वह कहंदे ने कि सानू साडियां सुझाव विच पाए गए। सो इस करके मुट्टी गल यह है भी जब तक अपने कोले पैसा इकट्ठा नहीं हुंदा आपां किसे नूं वड्डी राहत दे नहीं सकते। पैसा इकट्ठा करने लई असीं बेल्ट टाइट कर रहे हैं, वादू खर्चे खत्म कर रहे हैं। सो इस करके बहुत वधिया बजट है। और बाजवा साहब ने तो फिर कहना ही कहना है, उन्होंने ये तो कहना ही नहीं कदे भी सरकार ने चंगा काम किया। पर मैं ये कहना लोग कह रहे ने कि बजट अच्छा है और वाहिगुरु मेहर रखे इस तो अगला बजट इस तो भी होर ज्यादा वधिया होगा। थोड़ा जा स्रोत कट्ठे हो जाए तो असीं सहूलतां देण जोगे हो जाइए। देखो 8000 करोड़ हुण तक दा जिहड़ा कर्जा पंजाब सूबे वल्लों लिता गया जिस तों सिर्फ महज 10500 दा भुगतान कीता गया, पैसा आऊगा कित्थों? देखो मंत्री दे विच तीन चार गल्लां ने। सब तों पहलां तुसीं देखो जिहड़े पैरामीटर ने, आपां बराइबरी बंद कीती, रिश्वतखोरी बंद कीती, उहदे नाल किन्नी आमदन वध गई, बसां चों ट्रांसपोर्ट चों किन्नी आमदन वधी, लालजीत भुल्लर जी ने दस्सिया, साडे रेवेन्यू चों किन्नी आमदन वधी, जिम्पा जी ने दस्या, असी आ माइनिंग दे विचों हरजोत बैंस जी तो पुछो कि किवें रेट थले आ रहे ने, ज्यों ज्यों प्रोडक्शन वधी जा रही है, असी एक भी पैसा रिश्वत च नहीं जान देना, ना असी एक भी पैसे की बेईमानी होने देनी है। तुसी देखो तुमका तुमका करके समुंदर भर जाऊगा। ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 5 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪਲੈਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸੈਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੈਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਲਰੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਕਿ 93% ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬੜੀ ਸਿੱਧਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਏਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਦੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦੀ 3 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 3 ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਦੇਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ
अच्छा, सब तो वड्डा सवाल जिहड़ा मान सरकार दे सामने खड़ा हो रहा है, स्पेशली सिद्धू मूसेवाले दे जिहड़े ब्रूटल किलिंग तो बाद अज ऑलमोस्ट एक महीना 29 में उन्हां दा मर्डर होया सी, अज 28 जून है, पूरा एक महीना होने वाला है, लेकिन हले तक जिहड़े किलर्स ने फड़े नहीं गए, इस नूं किवें वेखदे हो? उस तो अलावा SYL गाने नूं लैके भी बड़ा विवाद खड़ा होया है, वह गाना जिहड़ा रिमूव सरकार वल्लों कीता गया। ये सेंट्रल सरकार ने रिमूव किया है और ये माड़ी गल है, मंदभागी गल है। एक पासे तो अमित शाह जी और उन्होंने पेरेंट्स नू मिल रहे हैं मूसेवाला साहब के, दूजे पासे तुसी उन्दा गाना उन्दियां भावनावां नू रोक ला रहे हो, या तो तुहानू पंजाबियां दे नौजवानों ते विश्वास नहीं, तुसी वाई शुड यू सेंसर समथिंग, लैट दैम हियर। ये तुसी कानून तुसी साडी समझ नू इन्ना सीमित कर रहे हो कि जिहड़ा मर्जी असीं मतलब प्रेरित हो जाएंगे, सानू हक है हर पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का। दूसरा इशू जो मैं थोड़ा पूछा सी, किलर्स हाले तक फड़े नहीं गए हैं जी, मूसेवाला साहब का, मूसेवाला साहब का बहुत ही मंदभागा, मैं पहले दिन ही ये पाया सीगा कि वो शाइनिंग स्टार है, वो साडा आउन वाला दुनिया ग्लोबल लेवल का स्टार सी, बड़ी बहुत मंदभागी गल होगी कि मैं ये शब्दों च नहीं बयान कर सकता कि बहुत उन्होंने नौजवान पुत चलिया गया। हुण मैनू ये है कि इहनू तुसी सरकार दे विरुद्ध प्रोपेगंडा तां ना बनाओ, सिवियां दीआं लकड़ां ते तुसी अपना सियासत सेक रहे हो, तुसी इस गल दा दुख तां की मनाउणा सी कि एड्डा होनहार नौजवान चलिया गया, तुसी उहनू ये कह रहे हो कि सरकार नू हटाओ, सरकार नू खत्म करो, भगवंत मान नू दोषी बनाओ। भगवंत मान की कसूर है जी? चलो मान साहब का कसूर नहीं है समझ आता है, पर मान साहब या मान गवर्नमेंट का फर्ज है ना कि जेडे भी किलर सी उन्होंने फड़िया जाए, वो तो एक महीना हो गया हल तक तो कोई भी कार्रवाई नहीं। देखो सारे की शिनाखत हो गई है, सारे दे हथियार वो तो नाल दे दी हुई है ना, जेडे नाल दे सीगे जिन्हें पहला रेखी की थी या जिन्हें वीडियोग्राफी की थी या फोटोग्राफ्स क्लिक करी है, वो सारा तो चलो चली जा रहा है, जिम्मे पेट्रोल पंप ते CCTV फुटेज आंदी है, लेकिन मेन किलर्स कदों जेल दे सलाखा दे? मैं दसदा ये जेडी इन्वेस्टिगेशन है ये दिल्ली दी पुलिस दी स्पेशल सेल भी परस्यू कर रही है, पंजाब पुलिस भी परस्यू कर रही है, सानू पंजाब पुलिस नू असीं फ्री हैंड दिता हो, कल नू किते भी पंजाब पुलिस नू कोई भी बंदे ते लगदा है चाहे कोई भी होवे उहनू अरेस्ट कर सकदी है, फ्री हैंड दिता है DGP साहब नू जिहड़ी सिट बनाई है उहनू, हुणे पुलिस कामयाब होगी, पुलिस काम कर रही है, सानू पूरा भरोसा है, गिव देम सम टाइम, सारे अंदर ही होंगे। अच्छा मंदे हो तिना महीनिया दे विच संगरूर वासियां दा जिहड़ा मोह भंग हो गया कि हुण उन्होंने फतवा सिमरजीत सिंह मान दे हक च दिता कि आम आदमी पार्टी 100 दिन दे अंदर अंदर किसी भी सरकार लई बड़ी वड्डी गल हुंदी है कि एड्डी वड्डी हार दा सामना करना जिहड़ा कि पहला 92 सीटां दा मैंडेट मिलिया होया जी सरकार। मैनू ये लगदा, मेरी परसनल राय है, जितने मैं पहले दिन मैं इंटरव्यू सुनी सी संगरूर पिंड दे इक पिंड दी सथ दी, उन्होंने कहा बंदियां दा कहना सी यार इनू भी बड़े देर होगी धक्के खांदे नूं, हमदर्दी जी जिवें बंदे दे मन च आ जाए ना वोटरां दे, हुण देखो उन्होंने पता सी भी ना फिर ओ हमदर्दी 2019 दे विच क्यों नहीं दिखाई, उदों भी बहुत समा हो गया सीगा। मैं दसदा देखो ना तो इस वोट नाल कोई सरकार बननी सी ना इहदे नाल कोई सरकार डिगनी सी, संगत ने कहा भी भगवंत मान जी नूं असीं 92 MLA दे के असीं बना दिता है, ठीक है, हुण उन्हां ने पता नहीं की उन्हां दे मन च आई भी इहनूं भी बड़ा देर होगी यार, चल इहदा भी घर पूरा कर दिओ मान दा भी। तुहाडा मतलब तरस दे आधार ते सिमरजीत सिंह मान नूं बणाए गए? मैं बिलकुल मानदा तरस दे आधार ते बणे, हाँ तरस दे आधार, हाँ मैं कह रहा कि इह तरस दे आधार ते हमदर्दी दे आधार ते उन्हां नूं इक वोट पै गई जिहड़ी कि साडे नाल लोक खड़े ने अज भी खड़े ने संगरूर दे, जे स्टेट दा कोई गल होगी स्टेट दे लोक स्टेट बेस ते भगवंत मान नाल सारा संगरूर खड़ा है, सिर्फ उन्हां नूं पता है कि चलो ये सेंटर दे विच ये केड़ा कोई MP बन के कोई सरकार गिर जानी है या नवी बन जानी है, इस करके उन्होंने एक तरीके नाल पिछले 20-30 सालां दा जिहड़ा झोली भरती उन्होंने।